भाई लोग कैसे हो। तो स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो पे और आज हम देखने वाले हैं फिर से एक और बेस्ट न्यू थीम फॉर MIUI 11 जो कर देगी आपके फोन को और फोन के एप्स को पूरी तरह से चेंज और देगी आपके फोन को एक बहुत ही बढ़िया लुक। तो अगर आप इस थीम के लिए इंटरेस्टेड है तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चलिए वीडियो शुरू करें। लेकिन उससे पहले अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की और वीडियोस को पाने के लिए। तो चलिए फिर देखते हैं। तो थीम का जो नाम है दोस्तों वो हमेशा की तरह आपको पता है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, और थीम का जो साइज है और थीम का जो नाम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस थीम का नाम दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसका जो साइज है वो है लगभग 29 MB का। तो काफ़ी बढ़िया थीम है V11 और इसको अभी मैं करूँगा अप्लाई। और दोस्तों जब अप्लाई होती है तो फर्स्ट सबसे पहले हमारे नेविगेशन बटन्स है वो चेंज हो जाते हैं और साथ में जो थीम का ही ऐप है वो भी पूरा चेंज हो जाता है। इसके बाद अगर आप होम स्क्रीन का लुक देखते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा मिलता है। यहाँ पर हमें आइकन पैक्स और जो आपके नेविगेशन बटन्स हैं उनको काफ़ी अच्छा चेंज करा गया है और काफ़ी ये डायनेमिक लगता है देखने में। अगर आप बात करते हैं सेटिंग्स के चेंजेस की तो इसमें भी हमें बहुत ही बढ़िया लुक दे रखा है। सभी सेक्शन को देख सकते हैं आप, पूरी तरह से डिवाइड कर रखा है और एक आपको बिल्कुल बैकग्राउंड में ब्लू वॉलपेपर की तरह आपको लुक मिल जाएगा। बात करें अगर नोटिफिकेशन पैनल की तो वो भी आप यहाँ पर देखिए, आपको इसके अंदर टॉगल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं, चाहे वह बात करें बैटरी इंडिकेटर की या फिर आपके सिम इंडिकेटर की या वाईफाई इंडिकेटर की या फिर ब्राइटनेस कंट्रोलर की। तो आपको A to Z आपको इसमें काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करा गया है और ये जो नेविगेशन बटन से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे इसमें लग रहे हैं। अगर बात करें दोस्तों कुछ और चीज़ों की, जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पर आपको आइकन पैक्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं और अगर बात करें इसके ऐप्स चेंज की तो इस थीम में सारे ऐप सपोर्ट करते हैं, चाहे वह आपका कैलकुलेटर हो या फिर आप अपने फ़ोन का डायलर ऐप देख लीजिए। डायलर ऐप के अंदर भी आपको जो हिस्ट्री मिलेगी वो भी बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है। और अगर बात करें व्हाट्सएप चेंज की तो इसके अंदर भी हमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है चेंज, व्हाट्सएप का पूरा आपको डिज़ाइन बिल्कुल एक न्यू लुक मिल जाएगा। बात करें और भी चीज़ों की, जैसे कि आपका यूट्यूब हो गया, तो जितने भी ऐप्स हैं चाहे वह आपके फ़ोन के ऐप्स या फिर आपके थर्ड पार्टी ऐप्स हो, ये थीम सभी ऐप्स को सपोर्ट करती है, A to Z आपके सारे ऐप्स को चेंज कर देगी। और व्हाट्सएप इसकी मेन हाईलाइट है क्योंकि यहाँ पर व्हाट्सएप का नाम बिल्कुल अलग चेंज कर दिया गया है और अगर आप कोई भी आप ऐप इसके अंदर अपना देखते हैं तो वो भी आपको पूरी तरह से चेंज मिल जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि हमने कोई अलग से रोम इंस्टॉल कर रखी है, क्योंकि बहुत ही कम थीम्स होती हैं जो कि पूरे मतलब फ़ोन को पूरी तरह से चेंज करने की पावर रखती है। तो इसके अंदर आपको सेम वही लुक मिल जाता है। एंड अगर आप यहाँ पर देखें इसका रीसेंट एप्लीकेशन पैनल तो वो भी हमें बहुत ही बढ़िया मिलता है। सेम यहाँ पर वही आइकन जो कि आपको स्टेटस बार में मिलता है, वही आइकन्स हमें यहाँ पर सिम्बल्स इसमें भी हमें दे रखे हैं। तो अब आप बचता है इसका लॉक स्क्रीन, तो उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो अगर आप लॉक स्क्रीन को देखते हैं तो इसमें आपको सेंटर क्लॉक मिल जाता है और आपको पूरा एक वॉलपेपर मिलता है एंड यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं है। तो इस तरह से आप लॉक स्क्रीन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थीम है, काफ़ी बढ़िया थीम है, इसको आप नॉर्मली अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों काफ़ी अच्छा आपको लुक प्रोवाइड कराएगी। नाम मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके ही जाना और अगर आप चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।